हेलो फ्रेंड्स, नेशनल क्रश नाम से प्रसिद्ध रश्मिका मंदाना एक भारतीय एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अब तक हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। फ्रेंड्स, रश्मिका अपने डेब्यू के बाद से ही सभी के दिलों पर छा गईं। साल 2016 में आई कन्नड़ मूवी क्रिक पार्टी से उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और साउथ इंडस्ट्री में पहली मूवी से तहलका मचा दिया। साल 2016 में यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ मूवी बन गई। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी और साल 2021 में आई पुष्पा दराइज ने इनकी बुलंदियों को और भी ऊंचा कर दिया। महज 6 सालों में इन्होंने इंडस्ट्री में अपना दबदबा बना लिया और आज देश के कोने कोने में हर कोई इनकी एक्टिंग का दीवाना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रश्मिका की आने वाली फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो आगे आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रश्मिका की सबसे पहली मूवी होने वाली है गुड बाय। अपनी आखिरी मूवी अडावलू मिकू जोहारलू की सफलता के बाद रश्मिका गुड बाय से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। यह एक अपकमिंग इंडियन कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसे विकास बहल डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में रश्मिका के अलावा अमिताभ बच्चन, नीना गुप्ता और सुनील ग्रोवर मुख्य भूमिका में दिखाई देने वाले हैं। फिल्म में परिवार और रिश्तों से जुड़ी एक दिल छू लेने वाली कहानी दिखाई गई है जो आपको अपने परिवार से बांध के रखने में मदद करेगी। फ्रेंड्स, अमिताभ को ब्रह्मास्त्र में लास्ट टाइम देखा गया था। गुड बाय प्रोडक्शन कंपनी बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनाई जा रही है और ये 7 अक्टूबर 2022 को सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। रश्मिका की अगली मूवी होने वाली है वारिसु, जो कि एक इमोशनल फैमिली ड्रामा मूवी होने वाली है जिसे वंशी पदिपल्ली डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा जिसके लीड रोल में थलपति विजय, रश्मिका मंदाना और प्रकाश राज जैसे अन्य बड़े एक्टर्स दिखाई देने वाले हैं। फ्रेंड्स, रश्मिका की यह थलपति विजय के साथ पहली मूवी होने वाली है। यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों मिलकर थिएटर्स में हमें कितना एंटरटेन करते हैं। पहले इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर पूजा हेगड़े को शामिल किया गया था, लेकिन पूजा पहले ही विजय के साथ बीस्ट में नजर आ चुकी थी, इसलिए मेकर्स ने रश्मिका को इस फिल्म में लेने का फैसला किया। फिल्म प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के बैनर तले बनाई जा रही है और यह पोंगल महोत्सव पर 12 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। रश्मिका की अगली मूवी होने वाली है पुष्पा धरूल। पुष्पा दराइज की अपार सफलता के बाद मेकर्स इसके दूसरे पार्ट पुष्पा धरूल को बनाने की घोषणा कर चुके हैं। यह डायरेक्टर सुकुमार द्वारा निर्देशित एक क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसमें रश्मिका के अलावा लीड रोल में साउथ के वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश एक्टर अल्लू अर्जुन नजर आने वाले हैं। पहला पार्ट एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जो तिरुपति के जंगलों में लाल चंदन चुराता और उसे बेचता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि मेकर्स के दूसरे पार्ट में क्या कहानी लेकर आते हैं। पुष्पा दरूल प्रोडक्शन कंपनी मित्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बनी एक पैन इंडिया लेवल फिल्म होने वाली है जिसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज किया जाएगा और यह अगले साल 2023 में सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। रश्मिका की अगली मूवी होने वाली है मिशन मजनू, जो कि एक अपकमिंग स्पाई थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसे शांतनु डायरेक्ट कर रहे हैं। यह एक हिंदी फिल्म होने वाली है जिसके लीड रोल में सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना नजर आने वाली हैं। फिल्म में रॉय जेंट सिद्धार्थ और रश्मिका के बीच प्यार भरे नोकझोंक हमें खूब एंटरटेन करेंगे। यह भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़े गुप्त ऑपरेशन की अनकही कहानी होने वाली है। फ्रेंड्स, पहले इसे 13 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी कर ली गई थी, लेकिन बाद में मेकर्स ने इसे बदलकर 10 जून 2022 कर दिया। पुनः फिल्म में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से इसकी रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन यह आपको 2023 में सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। रश्मिका की अगली मूवी होने वाली है एनिमल। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसके लीड रोल में आपको रणवीर कपूर, रश्मिका मंदाना के अलावा बॉबी देओल और अनिल कपूर नजर आने वाले हैं। गुड बाय और मिशन मजनू के बाद यह रश्मिका की बॉलीवुड में तीसरी फिल्म होने वाली है। फिल्म में पहले परिणीति चोपड़ा का नाम सामने आया था, लेकिन बाद में मेकर्स ने रश्मिका को फिल्म में साइन कर सभी को चौंका दिया है। सभी के दिलों पर राज करने वाली रश्मिका अब बॉलीवुड की एक या दो नहीं कुल 3 फिल्मों में नजर आएंगी। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका फिल्म में रणवीर कपूर की पत्नी के रोल में नजर आएंगी और यह 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।